हेलो गाइस, आज का ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा। मैं आया हूँ अपनी बुआ के वहाँ और आज हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आप लोगों के लिए सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं आया हूँ अल्मोड़ा, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अल्मोड़े की सुंदर वादियों से। तो गाइज, आपने देखी यहाँ की लोकेशन इतनी बढ़िया है। और अभी बड़ी दीदी का फोन आया था, उनकी भी पिटोई पहुँच गई है नैनीताल। कल मैं लाया था यहीं तक, कल आया था भी यहाँ से सुबह। दीदी के कोई किराएदार थे, वो जा रहे थे गाड़ी में, तो अभी पहुँच गए हैं वो। और अभी हुआ है समय 9 बजे। हमने नाश्ता कर लिया है, हार्दिक और मैंने नाश्ता क्या कर लिया, खाना ही खा लिया है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं करबला होते हुए बाजार की ओर को जा रहा था, हलवा की ओर को, तो मुझे यहाँ पर ये दिखा अल्मोड़े का स्टेडियम दिखा, जिसमें दूबा उगाया गया है और इतना बढ़िया लग रहा है ये दूर से। आप देख सकते हो यहाँ पर ये है खेलने के खिलाड़ी के लिए ये बना रखा है, और वहाँ पर नेट प्रैक्टिस करने के लिए वो बना रखा है, और वहाँ पर खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी जाल में। और ये अल्मोड़े का SSG कैंपस है, और यहाँ का जो फील्ड है दोस्तों, ये देखो पूरे दूबा लगने के बाद से कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ये बार बागेश्वर के नुमाइश खेत ग्राउंड में भी यहाँ दूबा लगवाया गया था, परंतु वहाँ जानवरों का आना जाना और लोकल के लोगों का रहना जाना जाना लगातार बना हुआ था, जिसके कारण वो वहाँ दूबा पूरे से उग नहीं पाया। और वो सामने आप देख रहे हैं इसके पार साइड को, वो है मेडिकल कॉलेज, और वो हम यहाँ से कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों। और तो दोस्तों, हम तैयार होके अब लग गए हैं रास्ता, और अभी हम आज हम जीजा जी की बाइक में जा रहे हैं। हेलो कह दो। हेलो गाइस, हम मामा के वहाँ जा रहा है ना। हाँ। फिर आ मामा से मिलेगा तो कितने समय के बाद ना। हाँ। फिर कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा। जीजा को देख, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं। अभी इसमें तेल डालना है गाड़ी में, और उसके बाद फिर अभी सामान वामान लेना है वहाँ के लिए, वहाँ भी बहुत रिश्तेदार हैं। फिर मिलता हूँ मैं आगे आपसे दोस्तों। तो अब गाड़ी में तेल डाल दिया है हमने, और मिठाई उठाई सामान वामान ले लिया है रिश्तेदारों के लिए, और अभी हम हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आगे से पेट्रोल पम्प में हैं। हमने तेल वेल भरा लिया है यहाँ पर, अब हम इसके बाद चलते हैं आगे। रास्ता गया धार की तुनी की ओर को, और हमको जाना है अलबाग की ओर को, तो हम नीचे वाला रास्ता पकड़ेंगे ये वाला, और ऊपर वाला धार की तुनी से होते हुए NTD में मिल जाता है रास्ता। हम यहाँ अभी पांडे खोला में पहुँचे हुए हैं। तो गाइज, हम अभी पहुँचे हैं अभी आधे रास्ते में, कोसी वाले रास्ते में पहुँचे हैं, और पूरे अल्मोड़े से हवलबाग तक का पूरा रास्ता डाउन ही डाउन है। और यहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ से कौसानी 49 और अनिकेत 38 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग 161 किलोमीटर है यहाँ पर से। तो अभी हम आए को चलते रहते हैं, फिर अब वहाँ पहुँचते हैं, फिर बताते हैं दिखा। तो गाइज, अब हम पहुँच गए हैं कोसी। अब ये है कोसी बाजार की ओर को, यहाँ से गरुड़ कौसानी को रास्ता जाएगा, और हमको जाना है ऊपर को, क्योंकि यहाँ को जाएगा ये रास्ता जाएगा हवलबाग की ओर को, और विवेकानंद अनुसंधान की ओर को जाता है ये रास्ता, तो हमको ऊपर के रास्ते की ओर को जाना है, और ये रास्ता वहाँ को जाएगा गरुड़ कौसानी की ओर को, तो हमको ऊपर को चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे को, बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ हवलबाग पर्वती किसी अनुसंधान, हवलबाग अल्मोड़ा उत्तराखंड, ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट में पहुँच गया हूँ। ये ICAR काफ़ी अच्छा डेवलप
मेंट एरिया है ये, इधर से नीचे को सारे सभी प्रकार के ये धान बीज अलग अलग टाइप के बीजों का वो किया जा रहा है उत्पादन, जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आज ये 3-4 साल के बाद लॉकडाउन से पहले आया था मैं यहाँ, इसके बाद आज आना हो रहा है। तो फिर अब यहाँ से हमारी बुआ का घर थोड़ा सा बसता है, चलते हैं आगे को। देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं लो गाइस। तो मेरा लड़का पहुंच गया है अब हमारी बुआ के घर में, और वहां की फौजी बंदूक लेके ये बिल्कुल अपने आप को सच्ची का फौजी, ए ए ए इधर को मत करना, फौजी बनाने की तैयारी में है ये। ए ए नहीं 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 नहीं, अरे 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 मेरे को नहीं, अरे भाई अरे तू खत्म करेगा मेरी बुआ को। बड़े भैया बता रहे हैं ये बंदूक दबाना। अरे ये देखो, ये बंदूक चलाना सीख गया है ये एक ही दिन में। में हम बहुत रहे हैं, खेले हैं यहाँ, और ये है हमारे हमारी बड़ी मम्मी ताई जी भी यहीं रहती थी, बस ऊपर ही 2 मंजिले में, और ये नीचे वाला जो हुआ ये बुआ का मकान है ये। तो गाइस मैं बुआ से मिल के आ गया हूँ, फिर अब मैं जा रहा हूँ हरसू के मामा से मिलने, अपने साले से मिलने के लिए, वो भी यहाँ से थोड़ा सा आगे रहता है। तो हरसू कैसा लगा तेरे को मेरी बुआ के वहाँ मिल आके? अच्छा अच्छा लगा ना। तो अब अपने मामा को मिलने जा रहा है तू, क्या लाया है तू मामा के लिए? कोई लाया नहीं लाया, ठीक है मामा के लिए लाया है तो ठीक है। चलो दोस्तों भी चलते हैं, अभी मिलते हैं। पहुंच गए हैं हार्दिक के मामा के घर में, अब ये ऊपर वाला होगा ना ये, अब हम यहाँ से जाएंगे, अब वैभव घर में है नहीं है। चलो बेटा ऊपर को चलो, हार्दिक यहाँ बुआ के वहाँ आ रखा है अभी। मेरी घरवाली की बुआ रहती है यहाँ हवलबाग में ही, और ये उनकी नातनी के साथ बिल्कुल इतना खेल में मस्त हो रखा है, पूछो मत। सारे खिलौने फैला रखे हैं इसने यहाँ पर। ये हेलो धरा, हेलो कह दो, हेलो गाइस। ये देखो हार्दिक तो बिल्कुल धरा के साथ और छोटा बच्चा बन गया ये। ये देखो ये ये भी विदाई होगी है बुआ के घर से भी। बुआ ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, क्यारी लगा रखी है ये, और ये देखो हेलमेट लाया नहीं, नहीं। जा यार ऊपर वहीं पर सोफा सेट में हेलमेट रखा होगा, जा यार हेलमेट रखा होगा, जा तो आराम से जा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं जब, तो यहाँ पर यहाँ का जो फील्ड है हवलबाग का वो ये रहा, यहाँ शादी ब्याह और जब कोई मंत्री नेता अभिनेता आते हैं जब, तो उनके लिए यहाँ पर का वो बनाया गया है, और वो यहाँ का हॉस्पिटल है हवलबाग का। और यहाँ पर फौजियों की जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो ये, यहाँ पर प्रसार सेंटर होता है फौजियों का, ये ट्रेनिंग सेंटर होता है एक्स आर्मी के बच्चों के लिए होता है केवल ये ट्रेनिंग सेंटर। और वो आगे जो है यहाँ पर पशुपालन कुक्कुट विभाग होता है वो।
यहाँ काफ़ी अच्छी हवा, आजा ले गया वहाँ से, काफ़ी अच्छी हवा चली है यहाँ। और यहाँ मुर्गी पालन का विभाग यहाँ है ये, और अब मैं जाता हूँ। पहले फूफा जी अभी तक का अल्मोड़ा गए थे, अब मैं फूफा जी से मिल के आता हूँ दुकान में। हम आ गए हैं अब वहाँ से, बहुत लोग वहाँ से मिल के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। मेरा मामा तो मिला नहीं, इसके मामा गए हैं अभी कॉलेज, कॉलेज जा रहे हैं इसके मामा। और यहाँ पर देखो औरत में कितनी अच्छी खेती कर रखी है, अलग अलग फसलों की अलग अलग नंबर के साथ लगा दी है उन्होंने। हेलो दोस्तों, तो अब विदाई का टाइम हो गया है, दीदी के वहाँ से अब जाने का टाइम हो गया है। दीदी के तो, दीदी तो हंस रही है, मेरा तो रोने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ। थैले में मुस्कान लेते हुए चल रहे हैं बागेश्वर को, और गाड़ी मिल गई है अभी हमको धारणवाला से बागेश्वर के लिए। अभी कहाँ तक का जाती है देखते हैं, वैसे ताकुला तक का नहीं लेगी, ताकुला से आगे तो फिर मिल जाएगी जब, तो वहाँ से निकल लूँगा, वरना आज उसके ताकुला में ही करूँगा मैं नाइट स्टे, फिर जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल गए हैं आगे को धार की चुनी वाले रास्ते से, गाड़ी हमको मिल गई थी, भैया हमको लेने के लिए धारण वाला ही आ गए थे, वैसे ऑल ड्राइवर भैया तो आते नहीं हैं, परंतु ये हमारे बागेश्वर के भैया थे, जब तो ये हमको लेने वहीं आ गए थे। बेस से होते हुए करबला होते हुए आए हमको, और वापसी में फिर यहीं से ले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सवारी कोई मिल नहीं रही है। तो अभी हम धार की चुनी से होते हुए NTDA होते हुए कसार देवी से ताकुला जाएंगे, और आज हम रेस्ट करेंगे ताकुला में, हार्दिक के ननिहाल में और हमारे ससुराल में। तो हम अपनी वीडियो में आप आगे को बनाए रखेंगे। अब हम धार की तुनी पहुंच गए हैं, और यहां से इसके बाद यहां पर एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, उसका रास्ता ये नीचे को जाता है, और अभी हम ऊपर को NTDA के और को रास्ता लग गए हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं NTDA बाज़ार की ओर को, ये वाला रास्ता जाता है NTDA बाज़ार की ओर को, और यहाँ से ऊपर को जाएंगे जब, तो NTDA होते हुए कसार देवी होते हुए हम निकल लेंगे ताकुला की ओर को। जब हम चलते हैं वापस बागेश्वर की ओर को, ताकुला की ओर को, तो हमको यहाँ से ऊपर को जाना है। आप ऊपर को आप देख सकते हो, यहाँ पर बोर्ड है। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं कपड़खान, और यहाँ पर हो रही है चेकिंग, पुलिस के द्वारा सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि चुनाव के चक्कर में कहीं कोई अपनी गाड़ी में कोई अवैध सामान या पैसा या कोई औजार टाइप का सामान तो नहीं ले जा रहा करके, तो हमारी गाड़ी की चेकिंग कंप्लीट हो गई है, कुछ था नहीं तो मिलता क्या। तो अब हम यहीं से आगे को बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम पहुँच गए हैं बसौली महिंद्रा रिसोर्ट के पास। तो अब हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, गाड़ी की फ्रंट लाइट जल चुकी है। अब यहाँ से ताकुला का रास्ता केवल 8 किलोमीटर बचा है। आज हम ताकुला में ही रेस्ट करेंगे, हार्दिक के ननिहाल में, और उसके बाद कल की हमारी यात्रा वहाँ से बागेश्वर के लिए शुरू होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।